फिलोसफी ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्विक ग्रोथ है डिजिटल रेवोल्यूशन की, वो बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड करती है कि हमारे एजुकेटेड जो पर्सनल्स हैं जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन में, इंटरनेशनलाइजेशन में, और ना सिर्फ ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन, इनफैक्ट जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसका कॉन्सेप्ट भी चेंज हो चुका है। उनके मुताबिक है हायर एजुकेशन जो है वो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रूव करना, एक्सेलेंस साबित करना कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हायर एजुकेशन के, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा फोकस करना होगा, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना होगा कि एजुकेशन के मैप पे अगर हमने आना है दुनिया के, तो हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, हमारे जो मेजर्स हैं, जो क्वालिटी मेजर्स हैं, उनको फोकस करना होगा कि एजुकेशन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके। इसी सिलसिले में 1998 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हायर एजुकेशन पे, और के पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन है उसका जो सोर्स है वो आपका पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल होना चाहिए वो सोशो इकोनॉमिक होना चाहिए, उसका जो कल्चरल डेवलपमेंट की ज़्यादा तरफ फोकस होना चाहिए कि किसी भी मुल्क की कल्चर क्या प्रमोट करना चाहता है, किसी भी मुल्क का कल्चर क्या कहता है, किसी भी मुल्क के सोशो सोसाइटल या सोशल या इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उस पे मुनसर होना चाहिए। साथ साथ जो पॉलिसी है वो इस चीज़ पे भी ज़्यादा एम्फसाइज करती है कि इन फैक्टर्स को, कि जैसे एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन दी जाए, क्योंकि हमने पहले बात की कि ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन के दौर पर हम कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ही हमारी तरक्की पॉसिबल है, और साथ साथ स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, लेक्चरर्स की, और अदर जो आपके इंस्टीट्यूशन के जो पर्सनल्स हैं उनकी मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि उनका काम है कि वो दूसरे कंट्रीज में जाएं, वो दूसरे रीजन्स में जाएं, और ताकि वहाँ की स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकें, स्कॉलरशिप्स मीन्स के नॉलेज हासिल कर सकें, और उसमें से कुछ रिजल्ट्स लेकर आए और वो अपने एजुकेशन में, अपने सिस्टम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 के मुताबिक कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्योर आपके पास नॉलेज रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए और डेमोंस्ट्रेशन होनी चाहिए।